अ मैसेज टू प्राइवेट एम बी बी एस स्टूडेंट्स ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो तो हमारे लिए ठीक है अगर तुम पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हो प्लीज़ सब्सक्राइब करो ज़्यादातर मेड इन्फ्लुएंसर्स के मेरे ऐसे बड़े ट्रैप्स नहीं होते और वो माइक्स को इन पोजिशन पर नहीं रख पाते ठीक है मेरे हेयर स्टाइल पर मत जाओ मैंने स्पेशली अपने बार बार को बोला था कि मेरे को ऐसा हेयर स्टाइल देना जिससे किसी को पता ना चले कि मैं डॉक्टर लगूँ फिर वो मुझसे पूछता है कि आप ये क्यों चाहते हो ताकि फिर मैंने उसको ये बोला कि मैं आपसे फिटना नहीं चाहता जब आप मेरे क्लिनिक आओ ठीक है आपको पता तो होगा दिल्ली में अभी क्या हुआ है ऑबवियसली वन मोर रेस्टन बी इज वन मोर डॉक्टर डेड फॉर सम स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी और समथिंग आई थिंक 1200 रुपीस ओके प्राइवेट एमबीबीएस ठीक है प्राइवेट एमबीबीएस के जो भी पहले चीज समझो जो भी डॉक्टर है ठीक है चाहे वो गवर्नमेंट हो का गवर्नमेंट का हो प्राइवेट का हो एन हो एफ वाला हो कोई रशिया में बैठा है कोई फिलीपींस में बैठा है कोई बंदा एम बहुत सारी रीजंस के लिए लेता है बट हम सारे जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक पर्सनालिटी ट्रेट होता है वी आर ऑल वी ऑल हैव वेरी हाई ईगोस ठीक है लाइक हमें बचपन से बताया जाता है कि डॉक्टर को बहुत इज्जत मिलती है भगवान के बाद सिर्फ डॉक्टर ही है भगवान के बाद सिर्फ डॉक्टर ही है भगवान के बाद सिर्फ डॉक्टर ही है ये सुनते सुनते नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ निकल जाती है तो हम जब भी पढ़ रहे होते हैं अपने एग्जाम्स के लिए तो हम यही सोच रहे होते हैं कि यार ठीक है यार अच्छा इंजीनियरिंग के ली मैथ्स भी नहीं करनी पड़ रही और जब कॉलेज में घुसेंगे कॉलेज से निकलेंगे तो भगवान बन के निकलेंगे ठीक है तो कहीं ना कहीं हर डॉक्टर के अंदर ईगो होती है नहीं मानोगे तो यार तुम सिगमेंट फ्रॉड कालियन की बात मान लो ठीक है मैं वो वाली ईगो की बात नहीं कर करूं जब वो लोग बोलते हैं कि ईगो होता है यू नो द नॉलेज ऑफ द सेल्फ ठीक है बट मैं उस वाली ईगो की बात कर रहा करूँ कि कहीं ना कहीं नार्सिसिस्टिक ट्रेट ना इंक्लूडिंग माई सेल्फ ठीक है इंक्लूडिंग माई सेल्फ मैं तुम्हारे तो सामने नंगा बैठा हूँ भाई अपनी मसल्स के साथ तो भाई कहीं ना कहीं नार्सिसिज्म है ठीक है और बहुत सारे डॉक्टर्स में होता है स्पेशली सर्जन में बहुत ज्यादा मिलता है आपको ठीक है तो अब दिस ईगो दिस इज अ वेरी गुड थिंग फॉर मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स बिकॉज दे आर यू नो वो दस बीस साल की पढ़ाई झेल लेते हैं यही सोच के कि मैं एक दिन एक हाई लेवल का बंदा होगा जिसको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी सोसाइटी में ठीक है बट आप अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो तो आपको इस ईगो के साथ एक और चीज मिलेगी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ये इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आपको कोई पेशेंट नहीं देगा आपका मेन काम ऐसा डॉक्टर क्या है पेशेंट्स की हेल्प करना ना हेपोक्रेटिक पेशेंट्स की हेल्प करना है बट आपको ये चीज फील कराई जाएगी मोस्टली इंटरनेट को गवर्नमेंट कॉलेज का भी ना बंदा जब तुम्हें मिलेगा वो तुम्हें ये नहीं बोलेगा <laughs> प्राइवेट का है ऑनलाइन <laughs> ठीक है इसके जब ऑनलाइन तुम ये चीजें देखोगे तब तुम रियलाइज करोगे कि यार एम्स पीजीआई चंडीगढ़ निमानस क्या हम जा भी पाएंगे मुझे मेरा नहीं पता बट तुम लोग जरूर जा सकते हो चाहे तुम फिलिपीन्स के हो रशिया के हो कहीं के भी हो तुम कहीं के भी डॉक्टर हो तुम केपेबल हो गए इवेंचुअली उन जगहों पे काम करने के वहां पर अभी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के सो जस्ट कीप दैट स्मॉल थिंग इन माइंड ठीक है इट्स नॉट ओवर फॉर यू द प्रॉब्लम विद दिस कॉम्बिनेशन ऑफ ईगो ईगोरियर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स प्लस एक परफेक्शनिज्म हर डॉक्टर के अंदर होता है इज इक्वल टू टैलेंट वेस्टेज ठीक है आप साढ़े पांच से छ साल अपनी जिंदगी के इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में क्यों जीना चाहते हो फर्स्ट थिंग मैंने आपको एक इक्वेशन समझा दी सेकेंड थिंग आप चाहे अभी यहां पर हो इस प्राइवेट कॉलेज में हो आप एक चीज समझो कि जो गवर्नमेंट वाला बंदा है ना वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम नहीं करना चाहता इवेंचुअली वो आपके हॉस्पिटल्स या कॉरपोरेट्स ही ज्वाइन कर रहे होंगे टीयर वन सिटीज में इट इज अ वेरी कॉमन थिंग ठीक है कि वी वॉन्ट द बेस्ट पैकेज फॉर अवर सेल्स राइट वी अगर मैं लैब कोलिसक्टमी कर रहा हूँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और मैं वो सेम चीज गंगाराम हॉस्पिटल में कर रहा हूँ या मैं मैक्स में कर रहा हूँ तो मेरे को उस लैब कोलिसक्टमी के ज्यादा पैसे मिलेंगे सर्जरी तो मैं दोनों जगह अच्छी करूंगा ना तो डॉक्टर्स मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स टीयर वन सिटीज में एटलीस्ट दे प्रेफर कॉर्पोरेट्स दे प्रेफर प्राइवेट हॉस्पिटल ठीक है तो जो लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं वो बाद में दस साल बाद आपके साथ काम ही कर रहे होंगे उन जगहों पे तो आपको पहले ही उस एनवायरमेंट का एक्सपोजर मिल रहा है तीसरी चीज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में माना यार टीचिंग बहुत अच्छी होगी माना बेस्ट टीचर्स है सब कुछ है तुम्हें एंड में तो मैरो करना है या यूएसएम के लिए तुम्हें फर्स्ट एड पढ़नी है तो यार मुझे एक चीज बताओ यार तुम तुम जब सेम किताबें पढ़ रहे हो और वो लोग भी सेम किताबें पढ़ रहे हैं तुम्हारे पास भी कॉर्पस कलोसम है उनके पास भी कॉर्पस कलोसम है तुम भी मेमोरी को हिपो में कॉन्सोलिडेट कर सकते हो वो भी कर सकता है तो फिर किस बात का रोना तुम्हें करना है रंडी रोना क्यों करना है क्यों करना है क्योंकि फ़ायदा है कुछ फ़ायदा नहीं है तुम अपना ही नुकसान कर रहे हो चौथी चीज़ तुम दोनों के पास एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का पेशेंट हो या एक प्राइवेट हॉस्पिटल का पेशेंट हो तुम गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर हो या प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर हो पेशेंट को दोनों को मान लेते हैं निमोनिया है पीडियाट्रिक पेशेंट है दोनों जगहों पे और गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाला भी आई एम एन सी आई गाइडलाइंस फॉलो करेगा प्राइवेट हॉस्पिटल वाले भी आई एम एन सी आई गाइडलाइंस फॉलो करेगा मान लेते तो तुम हो तुम एक ऑर्थोपेटिक सर्जन हो तुम हमारे पास दोनों के रिकेट्स का पेशेंट आया तो तुम दोनों को ही तो स्टॉस रेजिमेंट दोगे तुम दोनों को ही वाइटामिन डी दोगे

उसमें इनसिक्योरिटी में रहा कि यार मैं शिट यार मैं प्राइवेट कॉलेज का हूँ फिर मैं जब अब निकला हूँ एमबीबीएस से तब मैंने रियलाइज किया कि मैं किस कॉलेज में था क्या बढ़िया कॉलेज था जिस कॉलेज के लिए लोग मेरे को अभी वो कॉलेज नहीं मिल रहा मेरे करेंट रैंक पे तो मेरे को ना उस कॉलेज के लिए भी ना एक अलग सा वो आ गया अप्रिसिएशन आ गई है ठीक है और मैं मोस्ट प्रोबली अगर मैं अभी ड्रॉप नहीं लेता हूँ तो फिर मैं प्राइवेट कॉलेज ही उठा रहा हूँ ठीक है तो दिस इज नॉट अ कोप दिस इज नॉट अ कोप वीडियो दिस इज जस्ट यू नो आई एम क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले लोगों को संभालने के लिए बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं ठीक है थीके? तुम तुम लोग तुम लोगों का स्ट्रगल सिर्फ वही समझ सकते जो तुम लोगों की तरह रहा है और सच बताऊ मैं तुम लोगों के घर में चलो तुम्हारे मॉम डैड ने वंस इार दे दिया जो बाकी लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं वो ये नहीं समझते कि तुम भी शायद फाइनेंशियली सही नहीं हो तुम भी शायद फाइनेंशियली सही नहीं हो मे बी वो वंस लेने के लिए तुम्हें भयंश लोन लेना पड़ा हो तो वो मे बी वो वन सीआर के तुम्हारे माँ बाप बिल्कुल कुत्तों तो की तरह काम कर रहे हैं ठीक है उनके माँ बाप भी कुत्तों की तरह काम कर रहे हैं तुम्हारे माँ बाप भी कुत्तों की तरह काम कर रहे हैं ठीक है कोई तुम्हारे घर की परेशानी के बारे में नहीं जानता वो बस ये देखता है कि इसके बाप ने इसका करा दिया कॉलेज में तो हमारा हमारे फादर हमारी हेल्प नहीं कर पा रहे ये नहीं कर पा रहे वो नहीं कर पा रहे कब तक ब्लेम करोगे ठीक है वो नहीं समझ सकता शायद तुम्हारी मॉम ने अपनी सारा गोल्ड रख के गोल्ड लोन लिया होगा कि बस ये है कि मेरे बेटे को मैं डॉक्टर बना दू ठीक है तो डोंट एक्सपेक्ट अदर्स टू अंडरस्टैंड योर काइंड ऑफ अ स्ट्रगल ऑल्सो ठीक है फॉर देम यू आर मुकेश अम्बानी फॉर फॉर पीपल हु कैनॉट अफोर्ड प्राइवेट कॉलेजेस दे थिंक ये सब लोग की सब लोग की ना साउथ डेली साउथ बॉम्बे के मैं साउथ डेली से हूँ सॉरी ठीक है मेरा केस अलग है ठीक है एंड लास्ट थिंग तुम प्राइवेट कॉलेजेस में कम पिटोगे सिक्योरिटी ज्यादा है फीमेल्स के लिए सेफ्टी ज्यादा है एंड जब बात आती है पेशेंट लोड और इन सारी चीजों की भाई तुम इवेंट लाइक डॉक्टरी में जब तुम घुसे हो तो तुम्हारी पूरी लाइफ तुम्हें वैसी पढ़ना है तो भाई अभी माओसेटिस और ऑस्ट्रोजेसिस इनपरफेक्टा के बारे में नहीं सीख पाया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहले सीख लिया उस बंदे ने तो दो तीन साल बाद तेरे क्लिनिक में आ जाएगा पेशेंट तो तब देख लेगा कि भाई पढ़ लेगा इसके बारे में तू सीख जाएगा एंड ऑफ द डिस्कशन खत्म कोई प्रॉब्लम थोड़ी है इसमें ठीक है तो प्लीज यार मेक द मोस्ट आउट ऑफ वॉट यू हैव गिवेन एंड मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं भगवान ने सबके लिए सब कुछ लिखा हुआ है नथिंग एंड एवरी थिंग इज इन योर हैंड्स ठीक है अगर तुम्हारी किस्मत में लिखा था कि तुम प्राइवेट जा रहे हो और तुम्हारा नीट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में ही हो रहा है तो तुम जा रहे हो प्राइवेट और जाओ खुशी से जाओ यार और अगर डैड ने तुम्हारे पे वो लिया है ना तुम्हारे लिए एक सैक्रीफाइस uh, दिया है तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट अपने साढ़े पांच छह साल या आगे के दस साल मत निकाल लंफी कॉम्प्लेक्स में ठीक है एंड प्लीज सब्सक्राइब ठीक है ए, uh, इसके लिए कर दो बट <laughs> यार चलो ध्यान रखो एंड वन मोर थिंग यू कैन लव मी यू कैन हेट मी बट यू कैन नेवर बी मी थैंक यू सो मच